हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थेरापिस्ट तुलसी। आज का जो हमारा वीडियो है वह है कपाल भाति के ऊपर। बेली फैट रिड्यूस करने में ये बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपाल भाति। दो तीन पोस्चर में करना है। ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने अपना वेट 10 से 15 किलो के बीच में इस प्राणायाम से कम किया हुआ है। लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हैं, वो लोग ये योगासन ना करें, यह प्राणायाम ना करें, वो लोग ही करें इसे। और जिनको योगा के बारे में जानकारी है वो लोग ही करें इसे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दंडासन में करेंगे, तो देखेंगे दंडासन में किस प्रकार से करेंगे। इस प्रकार से आ जाइए दंडासन में। ये 90 डिग्री में रहना चाहिए दोनों हाथ शोल्डर के बराबर, और इस पोजीशन में कपाल भाति करना है। शोल्डर पूरे तने हुए होना चाहिए। इसमें आपकी शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से कीजिए। अब दूसरा है अधोमुख श्वान आसन, इसमें कपाल भाति करना है। तो देखेंगे इस प्रकार से अधोमुख श्वान आसन में आ जाइए। यह है अधोमुख श्वान आसन का प्रॉपर पोस्चर। इस प्रकार से तो इस प्रकार से करेंगे कपाल भाति अधोमुख श्वान आसन में। और तीसरा इम्पॉर्टेंट आसन है शीर्षासन। शीर्षासन में जो हमारे इनर ऑर्गन हैं पूरे विपरीत दिशा में हो जाते हैं, इससे बेली फैट रिड्यूस करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन वही लोग करें जिनको योगा आता हो, जिनको जो योगा के प्रैक्टिशनर हैं, और जो भी शरीर की जो भी बीमारी वाले हैं वो ये आसन ये प्राणायाम ना करें। तो देखेंगे किस प्रकार से करेंगे। तो इस प्रकार से करेंगे शीर्षासन में कपाल भाति
इसमें पेट के पूरे ऑर्गन्स नीचे विपरीत दिशा में हो जाते हैं, तो कपालभाति से बहुत ही बेली फैट रिड्यूस करने में बहुत ही मदद मिलती है। तो इस प्रकार से शीर्षासन में कपालभाति करेंगे। और भी एक चैलेंजिंग आसन है, उसको अपन वाल के सहारे कर सकते हैं और उसमें भी कपालभाति करना है। तो इस प्रकार से वाल का सपोर्ट ले लीजिए, इस प्रकार से ऐसे आ जाएंगे, इस प्रकार से पूरा 90 डिग्री में अपना पोस्चर बनना चाहिए। और फिर इस प्रकार से नीचे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये चार आसनों में ये कपालभाति है। मैं अभी फिर से कह रहा हूँ कि ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है, इसमें मैंने अपना जो एक्स्ट्रा वज़न बढ़ा हुआ था जब मैंने योगा चालू किया था तब से मैं ये करते आ रहा हूँ, तो इसका मुझे संपूर्ण एक्सपीरियंस है। यह बेली फैट रिड्यूस करने में, शरीर का मोटापा रिड्यूस करने में बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर है। द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरा वीडियो आपके दोस्तों से शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की जानकारी मैं लाते रहता हूँ मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।